तो भाई जब मैं घर आया, घर आके मैंने देखा कि भाई कोई भी नहीं है घर पे यार, मतलब नीतू नीतू है और बच्चे हैं, मम्मी ना पापा दोनों घर पे नहीं है। मैंने सारे रूम चेक कर लिए, कोई भी नहीं है। दिखाओ आपको ना, मुझे, मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ बिना बताए चले गए। हाँ ये तो ऐसे तो पहले तो कभी नहीं हुआ इतने, मैं 20-25 साल का हो गया। मम्मी पापा बताएंगे आएंगे तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे दोस्तों, सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फुल ऑन मजा मार रहे होंगे अपने अपने घर में। आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं और हम भी अपने घर में मजे मार रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गुड़गांव कपल व्लॉग्स पे। तो चलो गाइस, आज मिलवाता हूँ सबसे कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले उसके बाद बताएंगे आज का क्या क्या प्लान है, क्या नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले मिलवाते हैं सबसे। चलो तो इधर देखा जाए तो भाई, माँ पहले बेटी की बना रही थी, फिर अपने बीच में करने लग गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बीच में अपने पे लग गई है। अभी तू अपने कर रही थी, वो तो मैंने पकड़ लिया कैमरे में देखे। मैं यूं कर रही थी अपने। तो क्यों कर रही थी, वही तो कह रहा हूँ। और ये भाई हमारी परा मैडम नहा धो के रेडी स्कूल जाने के लिए। भाई परा तेरी डेनिम तो एक नंबर लग रही है। राम राम जी, चीकली सी छोटा सा मुंह है तेरा बिल्कुल। रुक जा इधर आ। ये ले पास से दिखा दूंगा, ले बस के फोन नहीं मिलेगा। हेलो गाइज, चलो गाइज बाहर मिलवाता हूँ मम्मी पापा से क्या क्या कर रहे हैं। ये रे भाई मम्मी, और वो रहा भाई हमारा काऊ, वो नीचे अपने मैट पे खेल रहा है। और ये रही हमारी मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। और ये रहा हमारा डोलू चंद, गुड मॉर्निंग काऊ बाबू, गुड मॉर्निंग। खेल ले खेल ले इतने। ओए ओए ओए, हाथ हाथ मम्मी साथ, मम्मी साथ, देखो लगवाओ पराना। हाँ मानता नहीं है। और आज जो हमारे भाई ब्रेकफास्ट में बना है, ब्रेकफास्ट में क्या मतलब, जो प्रॉपरली लंच में बना है मेरे लिए, शायद जो मुझे आइडिया शायद वही बनाओ, वही बने हैं प्यारे प्यारे राजमा और चावल। इधर हो चुका है पानी का लंच पैक, ये उसकी बॉटल पानी की, और मैंने पिया है भाई गाइस अभी अभी आज सुबह नींबू पानी बढ़िया सा, क्योंकि भाई पेट में थोड़ी सी जलन हो रही थी तो नींबू पानी पिया इस वजह से। और मैं ना एक चीज़ दिखाता हूँ, कल जो मैं लेके आया था, ये तो पापा लाए थे रूह अफ़ज़ा, और मैं लेके आया था ये कहाँ से, गोपाला से भाई। ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ये दूध में मिला के। तो भाई जब मैं घर आया, घर आके मैंने देखा कि भाई कोई भी नहीं है घर पे यार, मतलब नीतू नीतू है और बच्चे हैं, मम्मी ना पापा दोनों घर पे नहीं है। मैंने सारे रूम चेक कर लिए, कोई भी नहीं है। दिखाऊं आपको, ये देखो इस रूम में तो मैं सो ही रहा था, यहाँ पे कोई है ही नहीं। और इस रूम में भी ये देखो कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और बता के भी नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को बिना बताए गए हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं है, और यहाँ पे सो रहे हैं बच्चे और नीतू। तो भाई पता नहीं अब क्या करें क्या ना करें, पूछता हूँ एक बार कॉल करके। ओए हाँ मम्मी पापा कहाँ गए? नहीं पता मुझे तो कहाँ गए। तो मुझे भी नहीं पता, फिर ऐसे क्या बिना बताए चले गए? मुझे क्या पता। अरे तुझे नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, बिना बताए चले गए घर में से। हाँ अच्छा, वो देखो तेरी बेटी क्या करती घूम रही है, एक तो देख पता ना, मैं मजाक सट के बता, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गए मम्मी पापा। नहीं पता ना मुझे, मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ गए, बिना बताए चले गए। ये तो ऐसे तो पहले तो कभी नहीं हुआ इतने, मैं 20-25 साल का हो गया। मम्मी पापा बताएंगे आएंगे। अरे ये तो झूठ बोल रही, तो पक्का तेरे को पता होएगा। नहीं पता ना मुझे। ओए दादू दादी कहाँ गए? हाँ सुंदर लग रही। दादू दादी कहाँ गए? 30, 20, 50, 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
थी उसने भी ना बता के गई, आप वाई कह रही उसने ना बता गई, मेरे तो भी बता के ना गई यार, पापा भी बता के ना गया। मैंने तो आप फोन करा जब पता चलो मुझे, जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं आप लोगों को बता के जाता हूँ ना, फिर आप ऐसे कैसे बिना बताए चले गए। अरे तो गए तो मेरे को बता देते, उसने नहीं सुनी तो मेरे को भी तो फोन कर सकते थे या मेरे को बता सकते थे। तो तू था ना जब उरे घर। अरे अब आगे से मैं भी ऐसे चला जाऊंगा, फिर मैं भी कह दूं घर नहीं थे। चौधरी को बेरो लेके आया, फिर तेरे बुआजी को लेके आया, सुमन का वहां थे। तो बता के तो जाना चाहिए ना कम से कम। हाँ, वो बेचारा देखना कैसे वो कर रहा है। इसने सुहाग के गई थी। हाँ सुहाग के गई थी, इसने सुहाग गई थी। ले लो, ले लो। ए, इस काम पा गई अब तू यूट्यूबर से, तू चिमटा रही फूकनी बेकन पा गई, बताओ हैं कौन सा लोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, यूट्यूबर से तेरे ऐसे दिन आ गए कि तू ये कढ़ाई लेके सिर पे पलटा लो।
मैं क्या कह रहा हूँ, इसने 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 बाहर भेजो, कुछ कमा कर लाएगी या ये चिमटा पिंगटा फूकनी बेच के कुछ तो पैसा लाएगी। मेरी गाड़ी का, मेरी नई गाड़ी चाहिए भाई मुझे। अच्छा, नई गाड़ी कैसे आएगी? चिमटा फूकनी बेच अपना इनसे ही आएगी और क्या। तो गाइज एक बार फिर से निकल गया हूँ भाई मैं एक बारात के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आज मेरे को जाना है बारात में और भाई यार अपने वेट कर रहे हैं थोड़ा सा आगे कट पे NH8 पे, तो वहाँ पे मिलेंगे सब। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, वो लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं क्योंकि आज उनके पास थार है और थार में भाई 3-4 बंदे आते हैं, उससे ज्यादा आ नहीं सकते। फिर मेरे को यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। और पास के पास मैं जानी है बारात, मतलब मुश्किल से हमारे यहाँ से पड़ेगा 7-1 किलोमीटर। तो भाई जल्दी जाके जल्दी जल्दी अपना आ जाएंगे, तो भाई यार से मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी अपनी। अपने भाई यार आ लिए हैं, वो दिख रही होगी आपको थार ये जा रही आगे, इसमें है वो और हमें भाई इसमें पीछे पीछे रख लेते हैं। रास्ता पता नहीं है क्योंकि भाई गलत पहुंच जाएंगे, बेटर है कि इनके बिल्कुल पीछे पीछे रखें। मौसी जी के साथ अपने सूट डालने ही, मेरे पास सूट है और मैं आपको मौसी जी दिखाती हूँ अभी। ये रही मौसी जी एक्टिव और फुल पैक हो रखी है। मैं पैक हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ उनके साथ। आप भी डाल के आओगे क्या? हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा तो गाइस हमारे साथ हो गया पोपट, मेरे साथ और मौसी जी के साथ, क्योंकि हमें यहाँ मास्टर जी मिले ही नहीं। देखो ये भैया ये बोल रहे हैं मास्टर जी आएंगे लेट 12 बजे तक। अब हम जा रहे हैं वापस, हम वापस आएंगे 4 से 4:30 बजे, क्योंकि आज है फ्राइडे तो वो नमाज़ पढ़ के आएंगे, तो इसलिए अब हम 4:30 बजे आएंगे वापस से घर पे। राहुल जी गुस्सा करेंगे पर फिर भी आना पड़ेगा क्योंकि सूट सिलवाने हैं। तो भाई एक बार फिर से आंटी जी आ चुकी है, कैमरे में आप लोगों को पीछे दिख रहा हो तो आ चुकी है। मैं जा रही हूँ, राहुल जी अभी बैठे हैं करेंगे गुस्सा। मैं जा रही हूँ जा के रही, मतलब तेरे को ये तू सुबह गई जब वो नहीं मिला तो जरूरी है तेरे को आज के आज जाना, तू कल नहीं जा सकती, परसों नहीं जा सकती, वो नहीं मिलेगा ना फिर सब मिलेगा वो यार दोबारा, वो इतना और दो दिन बीच में है कि वो अंबानी का टेलर है कि भाई दोबारा बिजी हो जाएगा दोबारा मिलेगा नहीं। अंबानी का नहीं है लेकिन कल बच्चे भी तो घर रहेंगे फिर दो कौन संभालेगा। अरे यार बच्चे बच्चे यार एक तरह मैं परेशान हो गया भाई। एक चीज बताओ जरूरी है कोई, जब तेरे पास 1 लाख कपड़े है तो तेरे को अभी नहीं है ना। अबे अभी कल परसों तो तू शॉपिंग करके लाइए दोबारा, उसमें भी मेरे को लॉस करवा दिया इसने। आपने मुझे करवाया ये टी शर्ट है, सूट सिलवा रही हूँ मैं, टी शर्ट थोड़ी सिलवाने मेरे को। जा वो आंटी आ गई, जा पहले तो पहले बुला के रख के मेरे को बता दी क्या है तुझे आंटी तो आई खड़ी हो खड़ी। हाँ वो खड़ी कैमरे में। ठीक है भाई तू मतलब मेरे से सिर्फ बताने आई, मेरे को परमिशन लेने आई तो मेरे पास। ठीक है घोर कलयुग है, घोर कलयुग मैं भी ऐसे ही जाऊंगा, मैं भी नहीं दूंगा। ऐसे ही जाते हो रोज रात को 1-1 बजे आते हैं। बारात में गया था 1-1 बजे नहीं आया था, कहीं भी आ गया था, कहीं भी गया। ठीक है जा 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 पका मत अपने काम के लिए, तो कैसी भगी भगी जा रही है अपने काम के लिए। और मैं कह दूं काम भाई साहब मतलब है, ये देखो ये गई भगी भगी, ये खड़ी आंटी हमारी ये गई। और मैं अगर इसको एक काम बता दूं ना तो मेरे को 10 बार सुनाएगी। और भाई अपने काम के लिए, अपने अपनी शॉपिंग के लिए, काम के लिए भी नहीं अपनी शॉपिंग के लिए कहाँ भटक रही आंटी देने वाली है इसके। अच्छा प्रेस के कपड़े डाल रखे हैं ना वो लेने गई है।